में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा की। सभा के बाद सीएम की चाय पर चर्चा यहां पर हुई। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम की चाय पर चर्चा यहां हो रही है। ग्वालियर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार भी यहां पर होने वाला है। कल की बात करें तो कल भोपाल में उन्होंने रोड शो यहां पर किया था। भोपाल से महापौर प्रत्याशी मारुति राय के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था। वोट दिए जाने की अपील जनता से उन्होंने की थी। आज की अगर बात करें तो आज सीएम का कार्यक्रम तय किया गया है ग्वालियर में, जहां पर वे रोड शो करेंगे, पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार यहां पर करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं के पहले उन्होंने चाय पर चर्चा की है, कई विषयों को लेकर बातचीत की। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम ने चाय पर चर्चा की है कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, मंथन उनकी ओर से किया गया और चाय पर चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई। तो ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। कार्यक्रम उनका तय किया गया है, पार्टी के पक्ष में वे प्रचार करेंगे। कल भोपाल में रोड शो हुआ था, आज ग्वालियर में उनके रोड शो का कार्यक्रम तय किया गया है, जहां पर ग्वालियर से बीजेपी महापौर प्रत्याशी के पक्ष में वे वोट दिए जाने की अपील जनता से करेंगे। पार्टी के पक्ष में प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। कल पर अगर गौर करें तो कल भोपाल में उन्होंने रोड शो किया था, 17 किलोमीटर का लंबा रोड शो उनकी ओर से किया गया था। भोपाल से जो महापौर प्रत्याशी मालती राय बनाई गई हैं, उनके पक्ष में जनता से वोट दिए जाने की अपील की, उनके पक्ष में प्रचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो बीजेपी काफी पुरजोर कोशिश में यहां पर लगी हुई है कि बीजेपी को इस चुनाव में जीत हासिल हो। यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ बीजेपी अपनी पार्टी प्रचार में जुटी हुई है।